नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे इस YouTube चैनल सिलेक्शन मेंटर में। और हम जैसा कि आप लोगों को बोला है मैंने कि हम लगातार प्रैक्टिस सेट किरण के जो NTPC के लिए हैं वो आपके लिए लेकर के आएंगे, तो इसी क्रम में आज ये नवा प्रैक्टिस सेट हम आपके लिए लेकर के आ रहे हैं। और इस प्रैक्टिस सेट में 40 जो GS के क्वेश्चन है उसको हम लोग यहाँ पर सॉल्व करेंगे। दोस्तों आपको अगर किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट सेक्शन में आप जो है मुझसे पूछ सकते हैं, मैं इसका आंसर आपको वहाँ पर दे सकूँगा। इसके अलावा आप हमारे WhatsApp ग्रुप से जुड़ जाइए, तो जो हम रेगुलर क्लासेस जो प्रोवाइड करा रहे हैं डेली शाम को 7 बजे हम लोग GS की क्लास कर रहे हैं, आप वहां पर आकर के डेली GS की क्लास भी कर सकते हैं, जिससे कि आपका और ज़्यादा अच्छे से तैयारी हो सकती है रेलवे और SSC वगैरह के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर ध्यान दिया जाए। तो चलिए यहाँ पर पहले क्वेश्चन के ऊपर डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय विकास परिषद का सदस्य नहीं है? ऑप्शन यहाँ पर 4 दिए गए हैं और पूछा गया है कौन राष्ट्रीय विकास परिषद का सदस्य नहीं है। तो राष्ट्रीय विकास परिषद का सदस्य यहाँ पर राष्ट्रपति नहीं होगा, राष्ट्रपति जो है इस तरीके किसी संस्था का सदस्य नहीं होता है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? राष्ट्रपति। राष्ट्रीय विकास परिषद जो है अगर देखा जाए तो इसमें प्रधानमंत्री जो है इसका प्रमुख होता है और तमाम सारे केंद्रीय मंत्रिमंडल के जो मंत्री होते हैं उसके सदस्य, राज्यों के मुख्यमंत्री और दूसरे केंद्र शासित प्रदेशों वगैरह के प्रतिनिधि वगैरह जो है ये सब मिल करके राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन करते हैं। और ये कह सकते हैं कि भारत के विकास के मामलों पर विचार विमर्श करने का जो निर्णय है वो निर्णय सुनाते हैं। इसमें नीति आयोग से जो प्लानिंग्स वगैरह बनती हैं उस पर निर्णय लेने का ये काम जो है राष्ट्रीय विकास परिषद जो है वो करता है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 2 लिखा है, टैक्स आधार में वृद्धि के अनुरूप कर की दर बढ़ाने को क्या कहा जाता है? तो टैक्स आधार में वृद्धि के अनुरूप कर की दर को बढ़ाने को प्रगतिशील कर कहा जाता है। यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? प्रगतिशील कर, यानी कि प्रगतिशील टैक्स। ठीक है, चलिए ये थोड़े से क्वेश्चंस हैं जो आपको की पॉइंट्स के रूप में इसी तरह याद करने होंगे। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3, इसमें लिखा हुआ है आपूर्ति पक्ष का अर्थशास्त्र किस पर अधिक जोर देता है? आपूर्ति पक्ष का अर्थशास्त्र किस पर अधिक कह सकते हैं जोर देता है? तो ये आपूर्ति पक्ष का जो अर्थशास्त्र होता है इसको हम लोग रेगोनॉमिक्स या ट्रिकल डाउन जो कह सकते हैं नीति है के नाम से भी जाना जाता है। इसको हम लोग रेगोनॉमिक्स या रिगोनॉमिक्स या ट्रेकल डाउन कह सकते हैं कि नीति के अंतर्गत, पॉलिसी के अंतर्गत भी इसको जाना जाता है। और इसमें उपभोक्ता का, इसमें जो है सॉरी निर्माता का अत्यधिक जो है वो ध्यान दिया जाता है। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा तीसरे का, पहला निर्माता, ठीक है, मैन्युफैक्चरर का अधिक जोर दिया जाता है। आगे लिखा है नौकरशाही का सिद्धांत यानी ब्यूरोक्रेसी का जो थ्योरी है वो इसके संस्थापक कौन है, इसके जनक कौन है, ये कौन माने जाते हैं? तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होगा, इसका करेक्ट आंसर है मैक्स वेबर। तो नौकरशाही सिद्धांत जो है, नौकरशाही सिद्धांत के संस्थापक माने जाते हैं कौन? मैक्स वेबर। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, मैक्स वेबर। मैक्स वेबर जो है इन्होंने ही नौकरशाही सिद्धांत प्रस्तुत किया था, ये आपको ध्यान रखना है। ये जर्मनी के हैं, ये जर्मन के समाज विज्ञानी है एक तरीके से, इन्होंने इसके बारे में, पॉलिसी के बारे में बताया था। नेक्स्ट लिखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संयुक्त राष्ट्र संघ कब अस्तित्व में आया था? तो संयुक्त राष्ट्र संघ जो है 1945 में अस्तित्व में आया था, 1945 में। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। यूएनओ के बारे में दोस्तों हमने अलग से एक आपको पूरा का पूरा टॉपिक बना करके दिया है, आप हमारे चैनल पे यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के नाम से इसे सर्च कर सकते हैं, या फिर इसमें जो ऊपर नोटिफिकेशन आ रहे हैं आप उस पर क्लिक करके यूनाइटेड नेशन जा करके पूरी डिटेल, सारी डिटेल यूएनओ के बारे में पढ़ सकते हैं। बहुत अच्छी तरीके से मैंने उसको उसमें डिस्क्राइब किया हुआ है। तो 24 अक्टूबर 1945 को, फिलहाल मैं यहाँ पर शॉर्ट में बता दे रहा हूँ, 24 अक्टूबर 1945 को यूएनओ की स्थापना की गई थी द्वितीय विश्व युद्ध के बाद। विश्व में शांति फैलाना, शांति कायम रखना और विश्व सहयोग जो है इसकी प्रमुख रणनीति के अंतर्गत आता है। तो आपको इस तरीके से भी ध्यान होना चाहिए कि 24 अक्टूबर 1945 को स्थापित किए जाने के कारण हर साल 24 अक्टूबर को यूएनओ डे भी मनाया जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, लिखा है अबुल फजल किस सूफी संत के पुत्र थे? तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है अबुल फजल शेख मुबारक नागौरी के शिष्य थे, तो शेख मुबारक नाम यहाँ पर लिखा हुआ है ऑप्शन नंबर 1 में, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? शेख मुबारक। और ये जो अबुल फजल है ये अकबर के दरबारियों में से एक थे और इन्होंने बहुत ही फेमस किताब अकबरनामा भी लिखी हुई है, साथ ही साथ कह सकते हैं कि ये उनके नवरत्नों में से एक तो थे ही और काफी महत्वपूर्ण नवरत्नों में शामिल होता था इनका नाम। इनके भाई का नाम फैजी था। ये फैजी जो है ये भी अकबर के राज दरबारियों में राजकवि के रूप में
शामिल थे। आगे यहाँ पर एक महत्वपूर्ण नाम लिखा हुआ है, बख्तियार काकी, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। तो कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी एक सूफी संत थे जिनके नाम पर कुतुब मीनार का निर्माण जो है वो करवाया गया है दिल्ली में। ये भी आपको एक पॉइंट ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, फ्रांसीसी क्रांति किस वर्ष हुई थी? तो फ्रांसीसी क्रांति हुई थी 1789 में। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर इसका जो है वो कौन सा है, ऑप्शन नंबर थर्ड। और 1789 से लेकर के 1799 तक ये फ्रांसीसी क्रांति चली थी और फ्रांसीसी साम्राज्य की कह सकते हैं काफी विस्तार इस क्रांति के दौरान हुआ था। आगे लिखा हुआ, वंदे मातरम गीत किस पुस्तक से लिया गया है? वंदे मातरम गीत किस पुस्तक से लिया गया है? तो यहां पर चार ऑप्शन दिए हुए हैं, गीतांजलि, आनंद मठ, इंडियन पीपल एंड पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश इंडिया। तो ये जो आपको कह सकते हैं कि वंदे मातरम जो लिया गया, ये बंकिम चंद चटर्जी द्वारा लिखा गया था 1882 में, और ये इनकी किताब आनंद मठ से लिया गया है। किससे लिया गया है? आनंद मठ से लिया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, जीका वायरस का वाहक कौन सा मच्छर होता है? जीका वायरस अभी हाल ही में बहुत ही फेमस वायरस था, ZIKA, जीका वायरस। तो ये बहुत ही फेमस कह सकते हैं कि वायरस था जो कि फ्लेविवी रिडी नामक कह सकते हैं वर्ग का समूह का ये वायरस है। और ये इसके ट्रांसमिशन का मुख्य कार्य जो है वो कौन करता है? इसके ट्रांसमिशन का मुख्य कार्य करता है एडीज नाम के मच्छर। एडीज इजिप्टी जो है वो दिन में उड़ने वाले मच्छर हैं और इनकी वजह से ये वायरस जो है काफ़ी प्रभावित होता है और एक से दूसरे तक पहुंचाया जाता है। ठीक है, और इसमें वही है, मतलब इसमें डेंगू टाइप की जो बीमारी है वो सब होती है, जैसे येलो फीवर वगैरह जो है ये सब चीज़ें आती हैं, इंसेफ्लाइटिस वगैरह भी हो जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे लिखा हुआ अगला क्वेश्चन, जड़ आवरण किससे उत्पन्न होता है? ठीक है, जड़ आवरण जो है वो किससे निर्मित होता है, यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया, किससे उत्पन्न होता है? तो इसका यहाँ पे करेक्ट आंसर जो है, इसका करेक्ट आंसर है कैलिप्ट्रोजन। अब कैलिप्ट्रोजन के बारे में आपको बता देता हूँ, कैलिप्ट्रोजन पौधे की जड़ जहाँ पर रूट कैप का जहाँ पर निर्माण होता है उसके एकदम टॉप पर, उसके शीर्ष पर कोशिकाओं को बहुत तेजी से विभाजित करने का काम करता है, और जैसे घास हैं और जो दूसरे पौधे वगैरह हैं उनमें आराम से पाया जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो जड़ आवरण का काम जो है ये कैलिप्ट्रोजन ही करता है। जड़ के ऊपर एक अजीब सी आपने परत देखी होगी, वही। आगे लिखा हुआ, विलगित प्रोटीन को पहचान हेतु शोषक तकनीक क्या है? विलगित प्रोटीन की पहचान हेतु पोषक तत्व, सॉरी शोषक तकनीक क्या है? तो यहाँ पर विलगित प्रोटीन के बारे में अगर हम देखें तो यहाँ पर क्वेश्चन में चार ऑप्शन दिए हुए हैं, उत्तरी पोषक, पश्चिमी पोषक, दक्षिणी पोषक और क्लोनिंग। तो ये जो पश्चिमी पोषक है जिसे हम वेस्टर्न ब्लॉटिंग भी बोलते हैं, और वेस्टर्न ब्लॉटिंग को अन्य नामों से भी जाना जाएगा, लेकिन आप वेस्टर्न ब्लॉटिंग के नाम से जानेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, तो ये एक तरीके से अगर देखा जाए तो इसको जो है हम लोग प्रोटीन ब्लॉटिंग के रूप में भी कह सकते हैं, वेस्टर्न ब्लॉटिंग को प्रोटीन ब्लॉटिंग के रूप में भी कह सकते हैं, और कोशिकाओं को मतलब कह सकते हैं कि विलगित करना मतलब ही होता है थोड़ा सा अलग करना, डिफर करना। ठीक है, अलग करने की एक टेक्निक होती है ये, तो ये आप एक तरीके से जानेंगे। तो मैंने आपको इसका आंसर बताया, पश्चिमी पोषक को हम लोग अगर देखें तो कॉमनली वेस्टर्न ब्लॉटिंग या फिर प्रोटीन ब्लॉटिंग या कुछ ना कहीं कहीं इम्यूनो ब्लॉटिंग के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो है वो आपका क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है आपका पश्चिमी पोषक। चलिए 12वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लिखा है, गुणसूत्रों की आकृति विज्ञान की अच्छी तरह से अध्ययन किस गुणसूत्रों की आकृति विज्ञान का अच्छी तरह से अध्ययन किससे किया जाता है? तो गुणसूत्रों की आकृति विज्ञान का अच्छी तरह से अध्ययन करने के लिए यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि कोशिका का जो डिवीजन होता है, कोशिका के विभाजन के मध्य अवस्था की जो चरण होती है, ठीक है, बीच की जो चरण होती है उसमें गुणसूत्र के आकार का निर्माण स्पष्ट रूप से जो है वो होना शुरू होता है और उसका वहीं पर अध्ययन किया जाता है। तो आपको समझना पड़ेगा इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, मध्यावस्था। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, क्यूरी किसकी यूनिट है? तो क्यूरी जो है वो रेडियो धर्मिता की यूनिट है, जिसको हम रेडियो एक्टिविटी भी बोलते हैं। तो रेडियो एक्टिविटी की यूनिट जो है वो क्यूरी होती है, और इसे CI से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? CI से रिप्रेजेंट करते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अग्निशामक यानी फायर एक्सटिंग्विशर जो होते हैं के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? तो फायर एक्सटिंग्विशर के लिए हम
निम्नलिखित में से चार ऑप्शन दिए हैं, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड सबसे उपयुक्त आंसर होगा, तो इसका करेक्ट आंसर आपका क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड इसका सही आंसर है, CO2 अग्निशामक के रूप में प्रयोग किया जाता है। आगे लिखा है क्वार्ट्ज का रासायनिक नाम क्या है, तो क्वार्ट्ज में मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो सिलिका पाई जाती है, और कैल्शियम ऑक्साइड में तो सिलिका यहां होगी नहीं, तो सिलिका वाले ऑप्शन की तरफ अगर हम बढ़े तो सोडियम सिलिकेट नाम का सबसे चौथा नंबर का जो ऑप्शन लिखा हुआ है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सोडियम सिलिकेट। ठीक है, चलिए अगला अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और इसमें लिखा है पर्वतों की लगातार श्रृंखला कौन सी है जिसकी उत्पत्ति भारत की दक्षिणी समुद्री सीमा के लगभग समांतर है। देखिए साउथ में ईस्टर्न और वेस्टर्न दो घाट हैं, तो जो वेस्टर्न घाट है वो पूरा पर्वतों से घिरा हुआ है, और यही है जो समुद्र के पैरेलल जो है एक सह्याद्री पर्वत के रूप में जो है श्रृंखला बनाता है, बहुत बड़ी सी श्रृंखला बनाता है। तो इसका आंसर जो जाएगा पश्चिमी घाट यानी वेस्टर्न घाट, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? पश्चिमी घाट यानी कि वेस्टर्न घाट, ऑप्शन नंबर चार। अगला क्वेश्चन है थोरियम का सबसे बड़ा भंडार कहाँ है, थोरियम का सबसे बड़ा भंडार कहाँ है, ऑप्शन दिए हुए हैं इसमें जिसमें करेक्ट आंसर जो है वो है भारत। ठीक है, थोरियम का सबसे बड़ा भंडार कहाँ है? भारत में। अगर विश्व के देखा जाए तो कुल 1160 टन थोरियम में भारत का कम से कम 25-30% का कॉन्ट्रीब्यूशन होता है, और केरल जो है वो मुख्य तौर से इसके लिए बहुत फेमस है थोरियम के भंडार के लिए। केरल के तट में जो बालू वगैरह है, सैंड वगैरह जो है, उसमें यहाँ पर थोरियम पाया जाता है, ये वहाँ के एक प्रदूषक के रूप में भी जाना जाता है। इस क्वेश्चन के बारे में हम प्रीवियस सेट में डिस्कस कर चुके हैं, तो इसका करेक्ट आंसर होगा इंडिया। पंडित शिव कुमार शर्मा के बारे में भी हम पिछले सेट्स में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है पंडित शिव कुमार शर्मा किसके प्रसिद्ध वादक हैं, तो पंडित शिव कुमार शर्मा जो है ये संतूर वादक हैं, जम्मू कश्मीर के निवासी हैं, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा संतूर। संतूर एक प्रकार का म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है जो इस तरीके की आकृति का बना होता है, इस तरीके की आकृति का। ठीक है, इसमें यहाँ पर जो है ये इस तरीके से वायर लगे होते हैं और इनको बजाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से ब्लेड रनर के नाम से कौन जाना जाता है। ब्लेड रनर बहुत ही फेमस कह सकते हैं कि दौड़ लगाने वाले धावक के रूप में ब्लेड रनर को जाना जाता है। साउथ अफ्रीका के ये बहुत ही अच्छे रनर हैं और उनका नाम है ऑस्कर कार्ल पिटोरियस। क्या नाम है इनका? यहाँ पर सेकंड ऑप्शन जो लिखा हुआ है ऑस्कर कार्ल पिटोरियस, इन्हीं को ब्लेड रनर के रूप में जाना जाता है। इनके दोनों पैर नहीं थे और इन्होंने कृत्रिम पैर जो है अपने लगवाए हुए थे, और उसके बावजूद भी बहुत ही तेजी से दौड़ते हैं, तो इन्हें ब्लेड रनर के रूप में इसीलिए जाना जाता है। ठीक है, वो ब्लेड टाइप का जो है उनका पैर है, आर्टिफिशियल लिम्स लगे हुए हैं उसमें। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में कहा गया है कि गृह मंत्रालय द्वारा संचालित FCRA का विस्तृत रूप क्या है। तो FCRA का विस्तृत रूप है फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट, और फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट जो है वो ऑप्शन नंबर 2 में आपको दिखाई दे रहा है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। 2010 में इसको विदेशी योगदान अधिनियम 1976 को रिप्लेस करके बनाया गया था। तो विदेशी योगदान अधिनियम 1976 को रिप्लेस किया है किसने? FCRA ने। ठीक है, FCRA ने। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक मौलिक इकाई नहीं है, इनमें से कौन सी फंडामेंटल यूनिट नहीं है। तो फंडामेंटल यूनिट भाई इसमें क्यूबिक मीटर नहीं है, बाकी सारे जो है वो फंडामेंटल यूनिट है। मीटर, किलोग्राम, केल्विन, ये सब फंडामेंटल हैं। मीटर जो है आपका ये दूरी का, किलोग्राम द्रव्यमान का, और केल्विन जो है वो टेम्परेचर का फंडामेंटल यूनिट है। कौन सा बायोमास ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। तो बायोमास ऊर्जा का उदाहरण यहाँ पे परमाणु ऊर्जा नहीं है। ठीक है, बाकी सारे जो है वो बायोमास प्रोडक्ट के रूप में जाने जाते हैं, लकड़ी, गोबर, गैस, कोयला, ये सब। क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ बढ़ते हैं। 23वें नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें लिखा हुआ है निम्नलिखित में से कौन सा किसानों के लिए कल्याणकारी योजना नहीं है। तो किसान क्रेडिट कार्ड, SHG बैंक लिंकेज कार्यक्रम, राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना, कर्मचारी रेफरल। देखिए कर्मचारी रेफरल प्रोग्राम नाम से पता चल रहा है कर्मचारी रेफरल प्रोग्राम ये कृषि के लिए नहीं है, और ये कल्याणकारी योजना किसानों के लिए नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? किसानों के लिए नहीं है जो योजना, वो है ऑप्शन नंबर 4। अगला है राजनीति से धर्म
कभी अलग नहीं हो सकता, राजनीति से धर्म कभी अलग नहीं हो सकता। एक मिनट, राजनीति से धर्म कभी अलग नहीं हो सकता, ये बात किसने कही है, ये शब्द जो है वो किसके हैं, तो ये शब्द हैं महात्मा गांधी जी के। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो किसका क्या हो जाएगा, महात्मा गांधी। ठीक है, क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 24 का। 25 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें लिखा हुआ है शिक्षा का अधिकार अधिनियम भारत में कब लागू हुआ, तो शिक्षा का अधिकार अधिनियम जो है वो भारत में 2009 में लागू हुआ। ठीक है, 2009 में लागू हुआ और संसद के द्वारा इसे 1 अप्रैल कह सकते हैं, 4 अगस्त 2009 को संसद के द्वारा इसको पारित किया गया था। मैं यहाँ पे फिर से आपको बता दूं, 4 अगस्त 2009 में इसको संसद से पारित किया गया और 1 अप्रैल 2010 से पूरे भारत में लागू हो गया। तो 2010 यहां पर ऑप्शन नहीं है, इसलिए यहां पे इसका करेक्ट आंसर जो है वो 2009 हो जाना चाहिए। वैसे 1 अप्रैल 2010 से ये पूरे भारत में लागू हुआ था, हालांकि जम्मू कश्मीर में फिर भी लागू नहीं हुआ था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो इसमें लिखा हुआ तीन ओर से सागरों से घिरे हुए भूभाग को क्या कहा जाता है, तीन ओर से सागरों से घिरे हुए भूभाग को हम लोग बोलते हैं पेनिनसुला। पेनिनसुला यानी कि प्रायद्वीप। इसके बारे में कई बार हम चर्चा कर चुके हैं पीछे प्रैक्टिस सेट्स में, कई बार हमने इसके बारे में बताया है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है IIFA का पूरा अर्थ क्या है। IIFA, तो IIFA का पूरा फॉर्म है, फुल फॉर्म है इंटरनेशनल इंडियन फिल्म एकेडमी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 जो है इसका वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, इंटरनेशनल इंडियन फिल्म एकेडमी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है लोकतंत्र का सबसे बुनियादी परिणाम क्या है। लोकतंत्र का सबसे बुनियादी परिणाम ये है इनमें में से कि नागरिकों के प्रति जवाबदेही होती है नेताओं की। तो यहां पर आपको करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर थ्री इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इंडिया वेंस फ्रीडम ये किताब किसकी है। क्वेश्चन नंबर 29, ये आत्मकथा है अबुल कलाम आजाद जी की। ठीक है, ये आत्मकथा किसकी है, अबुल कलाम आजाद जी की। तो इंडिया विंस फ्रीडम जो है ये अबुल कलाम आजाद जी की आत्मकथा है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 में इनका नाम दिया हुआ है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। लोकसभा में उचित प्रतिनिधित्व के लिए राष्ट्रपति द्वारा 2 सदस्यों को नामित किया जाता है, निम्नलिखित में से किस समुदाय के सदस्य होने चाहिए। तो यहां पर ऑप्शन नंबर जो 2 लिखा हुआ है एंग्लो इंडियन, ये होने चाहिए एंग्लो इंडियन। और भारत के संविधान में एक आर्टिकल है जिसका नाम है आर्टिकल नंबर 331। तो आर्टिकल 331 के अकॉर्डिंग अगर राष्ट्रपति को ऐसा महसूस होता है कि सदन में एंग्लो इंडियन का रिप्रेजेंटेशन नहीं है तो वो 2 सदस्यों को नॉमिनेट कर सकता है, 2 सदस्यों को। और एंग्लो इंडियन कौन होंगे, इसकी परिभाषा जो है वो आर्टिकल 366 में दी गई है और 366 के क्लॉज 2 में बताया गया है, ऐसे लोग एंग्लो इंडियन होते हैं जिनके पिता या पिता की परंपरा में से कोई भी पुरुष जो है वो यूरोपीय कह सकते हैं कि ओरिजिन का होता है, तो वो व्यक्ति माना जाता है कि कौन है, एंग्लो इंडियन है वो। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31। तो क्वेश्चन नंबर 31 में लिखा है भारतीय अर्थव्यवस्था में परिवहन का मुख्य साधन क्या है। तो भारतीय अर्थव्यवस्था में परिवहन का मुख्य संसाधन जो है वो है रोडवेज, और रोडवेज का बहुत ज्यादा प्रयोग किया जाता है कह सकते हैं कि ट्रांसपोर्टेशन में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 4। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून को। कब मनाया जाता है विश्व पर्यावरण दिवस, 5 जून को मनाया जाता है। वर्ल्ड एनवायरमेंटल डे जो है वो 5 जून को मनाया जाता है। 1972 में संयुक्त राष्ट्र महासभा में इसकी जो है वो शुरुआत की गई थी 1972 से। लिखा हुआ निम्नलिखित में से सही कथन ढूंढिए, पत्थर पारदर्शी और कांच अपारदर्शी। ये तो कतई सही कथन नहीं है, इससे सरल क्वेश्चन क्या हो सकता है। लिखा हुआ है चीनी पानी में घुलनशील है, तो बिल्कुल घुलनशील है, करेक्ट आंसर इसका यही हो जाएगा, इसके एक्सप्लेनेशन कोई जरूरत ही नहीं है। क्वेश्चन 34 में पूछा गया है किलोवाट आवर जो है वो किसकी इकाई है। तो किलोवाट घंटा या किलोवाट आवर जो है ये किसकी इकाई है ये पूछा जा रहा है। तो
ये आपका ऊर्जा का मात्रक है, ऊर्जा के कई सारे मात्रकों में से ये भी एक मात्रक है, ठीक है, ऊर्जा का मात्रक है ये। तो इसमें जो है अगर हम देखें, ऊर्जा के मात्रक को जूल भी कहा जाता है, ये भी मैंने आपको बताया हुआ है पहले से, ठीक। चलिए आगे लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 35 में, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान सभा के मसौदा समिति के अध्यक्ष थे? तो ड्राफ्टिंग कमेटी या मसौदा कमेटी के जो अध्यक्ष थे वे थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, और 29 अगस्त 1947 को संविधान सभा ने डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की अध्यक्षता में एक मसौदा समिति की स्थापना की थी। तो यहां पर करेक्ट आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर एक, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। क्वेश्चन नंबर 35 या 36 की तरफ चलते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है, राज्य सरकार द्वारा नीति आयोग सिद्धांत के प्रवर्तन की स्थिति में भारत के नागरिक इसके विरुद्ध कहां अपील कर सकते हैं? तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज हैं वो एनफोर्सेबल नहीं है, या कह सकते हैं उनके खिलाफ हम कोर्ट में, न्यायालय में नहीं जा सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है, आर्टिकल नंबर क्वेश्चन नंबर 36 जो है, इसका करेक्ट आंसर होगा आंसर नंबर 4। तो इसमें से कहीं नहीं, अर्थात इसके लिए कहीं नहीं जाया जा सकता है, ठीक है। हालांकि राज्य का ये कर्तव्य है, तो राज्य को चाहिए कि इन नीतियों को लागू करे, लेकिन अगर राज्य लागू नहीं करता है तो इसके लिए हम कोर्ट नहीं जा सकते हैं। आगे लिखा है, संसद के संयुक्त सदन की अध्यक्षता कौन करता है? क्वेश्चन नंबर 37 में पूछा गया है, संसद के संयुक्त सदन की अध्यक्षता कौन करता है संयुक्त अधिवेशन की? तो संयुक्त अधिवेशन अनुच्छेद 108 के अकॉर्डिंग बुलाया जाता है, आर्टिकल नंबर 108 के अकॉर्डिंग, और इसका अध्यक्ष जो होता है वो लोकसभा का स्पीकर होता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? लोकसभा का स्पीकर। इस अधिवेशन को बुलाने का काम जो है वो राष्ट्रपति करते हैं, लेकिन स्पीकर जो है इसका अध्यक्ष होता है, जो कि लोकसभा का होता है। ए बी ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को रक्तदान दे सकता है? तो ए बी रक्त वाले जो व्यक्ति होते हैं उनमें उसमें कह सकते हैं कि एंटीजन के रूप में अगर देखा जाए, तो एंटीजन और एंटीबॉडी दो चीजें होती हैं, तो ए बी के पास अगर देखा जाए तो कुछ भी नहीं होता है इस तरीके से एंटीबॉडी के रूप में। तो यहां पर ये केवल किस व्यक्ति को दान कर सकता है, रक्त दान कर सकता है? तो ए बी जो है वो ए बी ग्रुप जो है उसके पास ए सॉरी ए अगर हम यहाँ पर डिवाइड करके आपको छोटा छोटा दिखा सकें, ए ब्लड ग्रुप जो होता है, ये व्यक्ति अपना ब्लड ए को दे सकेगा, दान दे सकेगा, और ए बी को दान दे सकेगा, ए और ए बी को दान सकेगा दे सकेगा। तो इस तरीके से अगर देखा जाए, बी भी यही काम करता है, ठीक है। ओ जो है वो सभी को रक्त दान कर सकता है, लेकिन क्वेश्चन पूछा गया है कि ए बी ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को रक्तदान कर सकता है? तो ए बी जो है वो सर्वग्राही होता है, सबसे एक्सेप्ट करने का काम उसका होता है, वो ब्लड देने का काम नहीं कर पाता है। ब्लड देने का काम कौन कर पाता है? ए बी, केवल ए बी को ब्लड दे पाएगा, और ओ जो है वो सभी को ब्लड दे सकता है, ये आपको ध्यान रखना है। इसको हम लोग सर्वदाता कहते हैं, और ए बी को सर्वग्राही बोलते हैं, यूनिवर्सल एक्सेप्टर और यूनिवर्सल डोनर बोला जाता है ब्लड ग्रुप ओ को। तो क्वेश्चन नंबर 38 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए बी। क्वेश्चन नंबर 38 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए बी। ब्लड ग्रुप ए बी वाला व्यक्ति किस व्यक्ति को रक्तदान कर सकता है? सिर्फ ए बी को कर सकता है। वातावरण को गर्म करने में मूल रूप से किसका योगदान सर्वाधिक होता है? ठीक है, एटमॉस्फेयर को गर्म करने में मुख्य रूप से किसका योगदान सबसे ज्यादा होता है? तो सबसे ज्यादा यहां पर इनमें में से, इस क्वेश्चन में से पूछा गया नहीं, आप कार्बन डाइऑक्साइड बता दें, ऑप्शन वाइज ऐसा पूछा गया है। तो ऑप्शन वाइज के अकॉर्डिंग आइसोलेशन, आइसोलेशन, कंडक्शन, रेडिएशन और कन्वेक्शन, इनमें सबसे ज्यादा रेडिएशन का प्रभाव होता है। सबसे ज्यादा प्रभाव किसका होता है? सूर्य की ताप जो है वो हमें रेडिएशन के थ्रू यहाँ पर पहुंचती है, विकिरण के थ्रू यहाँ पर पहुंचती है, आपको मालूम ही है। मोतीलाल नेहरू और चितरंजन दास निम्नलिखित में से किसके संस्थापक सदस्य थे? तो मोतीलाल नेहरू और चितरंजन दास जो है ये स्वराज पार्टी के संस्थापक सदस्य थे, और स्वराज पार्टी 1923 में बनाई गई थी, स्वराज पाने के लिए एक तरीके की ये पोलिटिकल पार्टी थी जो कि 1923 में बनाई गई थी, देश की स्वतंत्रता की डिमांड के आधार पर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन 40 जो है वो मैंने सॉल्व करा दिए हैं किरण प्रैक्टिस सेट नंबर 9 के। उम्मीद है कि आपको यहाँ के सारे क्वेश्चन जो है वो समझ में आए होंगे। किसी प्रकार के क्वेश्चन में कोई अगर आपको डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। जुड़े रहिए हमारे साथ और अपनी सफलता को प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू एंड गुड बाय टू ऑल ऑफ यू।